इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के आधार पर बैंक के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। बैंक मैनेजर की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़े गए आरोपी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और उसी का फायदा उठाकर आरोपी ने बैंक के साथ 9 लाख से अधिक की धोखाधड़ी कर डाली। दरअसल IDBI बैंक के मैनेजर ने MG रोड थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बैंक के साथ सागर पाटीदार नामक युवक ने धोखाधड़ी की है। जब इस धोखाधड़ी की जांच क्राइम ब्रांच ने की तो कहानी कुछ और ही निकल कर सामने आई। दरअसल आरोपी सागर पाटीदार ने फर्जी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक शॉप का गुमास्ता बनवाया। इसके बाद तीन आरोपियों ने नंदलालपुरा स्थित IDBI बैंक में अपना खाता खोला और बैंक से POS कार्ड मशीन ली। वहीं आरोपी सागर पाटीदार और इसके एक अन्य साथी ने मशीन से 9 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए। रुपए निकालने के बाद आरोपियों ने बैंक पर क्लेम कर दिया कि बैंक द्वारा हमें पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं बैंक को दोबारा इन्हें 9 लाख से अधिक की रकम लौटाना पड़ी। जब बैंक ने छानबीन की तो धोखाधड़ी की सूचना लगी। इसके बाद बैंक ने पुलिस की शरण ली। मामला दर्ज कर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये IDBI बैंक है जहाँ पर लगभग 9.25 लाख की फ्रॉड हुआ था। इसमें एक तीन लड़कों ने, एक अंकित है, एक सुमित है और एक सागर पाटीदार है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अगस्त में एक सागर पाटीदार के नाम से एक खाता खुलवाया बैंक में, IDBI बैंक में, और सागर पाटीदार उसका ओनर था। इन्होंने खाता खुलवाया था विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और ओनर सागर पाटीदार को बताया गया था। फिर जब ये जब खाता खुल गया फिर इनके बाद इनके पास 9 कार्ड थे, एक के पास 6 कार्ड थे सुमित के पास और अंकित के पास 3 कार्ड थे। तो इन्होंने कार्ड्स के द्वारा लगभग 9,30,000 रुपये इन्होंने उस खाते में जो फर्जी खाता खुलवाया गया था उस खाते में ट्रांसफ़र कराए और ट्रांसफ़र कराने के बाद फिर उसमें से वो पैसा चेक के द्वारा निकाल लिया गया। और अब उसके बाद फिर जो पुनीत जो व्यक्ति है, जो मैन आरोपी है, उसके द्वारा फिर बैंक से ये क्लेम किया गया कि मैंने इतना पैसा इसमें सागर इस अकाउंट में विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स को जमा किए थे, लेकिन वो पैसा न तो मेरे पास सर्विस जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा था वो नहीं आया है, अतः आप इसको क्लियर करें। चूँकि RBI की गाइडलाइन है कि 15 दिन के अंदर इनको बैंक को ये क्लियर करना होता है, तो फिर बैंक को पैसा 15.25 लाख रुपए उनको कस्टमर को पुनीत को देना पड़ा। तो जब पुनीत को ये पैसा दिया गया तो फिर इन लोगों ने, तीनों लोगों ने इसको 30% 30% 30% और 40% के हिसाब से इसको पूरे पैसे को बांट लिया। फिर बैंक ने ये शिकायत की और क्राइम ब्रांच में आकर भी शिकायत की, DI सर से भी मिले थे, तब फिर उन्होंने ये एप्लीकेशन दी। तो इस एप्लीकेशन में सब इंस्पेक्टर शहर से यादव और मोनिका को लगाया था। तो उन्होंने पूरे इस बात का खुलासा किया कि ये फर्जी जो खाता पुनीत और अंकित और ये सागर पाटीदार इन लोगों ने मिलकर खुलवाया था बैंक के साथ धोखाधड़ी करने की नीयत से। इसमें से दो आरोपी अंकित और सुमित गिरफ्तार हो गए हैं। सागर पाटीदार अभी फरार है। थाना MG रोड में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में IPC की अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन्होंने ये पूरा पैसा एक गाड़ी खरीदने में, जैसे पुनीत ने अपना पैसा गाड़ी खरीदने में लगा दिया और अंकित ने अपने जो कई फ्रेंड्स वगैरह उनके ऊपर खर्च किया और कुछ उधारियाँ थी लॉकडाउन के समय भी, इन्होंने जो कुछ उधारियाँ थी लॉकडाउन के समय पैसे घर खर्च चलाने के लिए भी इन्होंने इस पूरे पैसे का उपयोग कर लिया। सर और भी अपराध होंगे इनके, कुछ पूछताछ? इन दोनों के खिलाफ अपराध नहीं है, लेकिन पुनीत से ये जब बैंक वालों ने हमें शिकायत की थी तब उसमें ये भी बताया था कि पुनीत ने पहले भी एक फ्रॉड किया है, वो प्लास्टिक कार्ड्स का फ्रॉड, कुछ पासपोर्ट और वीजा से संबंधित, तो उसमें भी हमारी इंक्वायरी अभी इसके इंक्वायरी चल रही है। इसमें चूँकि खाता खुलवाने में एड्रेस वेरीफाइड किया जाता है, विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जरूर है प्रदेशीपुरा में, लेकिन वो विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोई खाता ही नहीं खुलवाया। इसमें बैंक ने कैसे अकाउंट, चूँकि उनकी एक टीम होती है, जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो फील्ड में वेरीफिकेशन के लिए जाती है और पास के व्यक्ति से भी जो एसोसिएट्स होते हैं कि पास में कौन है, तो वो पूरा वेरीफिकेशन होता है, उस पर भी साइन है बैंक ऑफिसर्स के। इसमें ये भी भूमिका देखना पड़ेगा कि बैंक के इसमें कहीं लोग शामिल तो नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से खाता खुलवाया गया है, POS मशीन भी इनको उसी पते पर दी गई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संलिप्तता हो सकती है। बहरहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से अन्य धोखाधड़ी के मामले भी उजागर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, इंदौर।